तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को देखो इसमें बेसिकली क्या कहते हैं कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग एक्सलेसन कुछ एक्सलेशन उसका हमें रेशियो निकालना है तो एक्सप्ल सबसे पहला है डब्लू वन इसको बोलते हैं एक्सलेशन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ सरफेस मतलब अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर है और जो अर्थ पर है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना फील कर रहा है ये ऑब्जर्वर अर्थ पर है तो अर्थ पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स फील कर रहा है तो ये कितना ग्रेविटेशनल फोर्स फील करता है ये तो सेंटर की तरफ अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है तो ये इसकी वजह से जो एक्सलेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सबसे पहला जो एक्सलेशन आ जाएगा डब्ल्यू वन वो कुछ नहीं है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है और उसकी वैल्यू जी मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर के इक्वल होता है हमें सबसे पहले ये पता है तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो चलो दूसरा दूसरा अगर निकालोगे तो एक्सलेशन सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन ऑन द इनर्सियल ऑफ द इक्वेटर देखो अर्थ की अर्थ अपनी एक्सिस पर अगर ओमेगा से घूम रही इस तरह से अर्थ वेस्ट से ईस्ट अपनी एक्सिस पर ओमेगा से घूम रही है तो जो ऑब्जर्वर इक्वेटर पर है अगर कोई ऑब्जर्वर है जो कि इक्वेटर पे है तो ये इक्वेटर पे रहने वाला जो ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर को सर्कल में अब अपने फ्रेम में ये सर्कल में है तो बाहर की डायरेक्शन सेंटर से बाहर ये जो सेंटर है इससे बाहर की डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील कर रहा होगा तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो एक्सलेशन है वो डब्लू टू है और ऑब्वियसली ये जो है रेडियस ऑफ अर्थ है तो सर्कुलर पाथ का रेडियस आर्थ है इस तरह से सर्कल में ये घूम रहा होगा और ये फोर्स फील कर रहा होगा उसको एक्सलेशन डब्लू टू है तो इस एक्सलेशन को मैं डब्लू टू दे देता हूँ सेंट्री भ्यूगल एक्सलेशन तो सेंट्रिक्यूगल एक्सलेशन क्या होता आर तो है आर ओमेगा स्क्वायर तो रेडियस ऑफ अर्थ और अर्थ का, का, का रोटेशन ओमेगा स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अर्थ का रोटेशन टू पाई टाइम अर्थ का टाइम पीरियड टी का स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा फोर पाई का स्क्वायर और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर और अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन दिस इज द इक्वेशन नंबर टू बात समझ में आई चलो तीसरा एक्सलेशन क्या है डब्लू थ्री डब्लू थ्री द सन ऑन द बॉडीज ऑफ द अर्थ मतलब जो सन है ये ये मान लेते हैं ये मान लेते हैं अपना सन है और इसके अराउंड अर्थ ऐसे चक्कर लगा रही है ये अर्थ है तो ये अर्थ चक्कर लगा रही है सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो इस्माल आर है इस्लॉल आर इज इस बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ तो ये सन और अर्थ के बीच का स्माल मास ऑफ द सन एम एस है और मास ऑफ द अर्थ एम ई है तो जो सन अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा उसकी वजह से जो एक्सलेशन क्रिएट होगा वो सें अगर कोई सन से देखता है कोई सन के फ्रेम से देखता है तो वो कुछ नहीं होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होगा तो सेंट्रीपेटल एक्सलेशन क्या होता है भाई तो W3 जो एक्सलेशन आ जाएगा वो जो W3 थ्री एक्सलेशन है वो कुछ नहीं है एक्सलेशन सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन मास ऑफ द अर्थ भाई मास पे अर्थ पे लगने वाले ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है ना तो वन अपान मास अब इन अर्थ और सन के बीच जो अट्रैक्शन है वो जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द सन और इनके बीच सेपरेशन आर का स्क्वायर तो ये ये सब कैंसिल हो गया तो इसका मतलब ये है जी मास ऑफ द सन और ये आर का स्क्वायर यहाँ तो बेसिकली अगर ये है दिस इज द इक्वेशन नंबर थ्री अब इसमें सारे वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है टाइम पीरियड मास ऑफ आर डिस्टेंस बिटवीन मास एंड सन ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है तो जब इन सारी सभी वैल्यू कॉन्स्टेंट की वैल्यू रखोगे तो डब्लू का ये जो रेशियो आ जाएगा तो ये जो रेशियो आ जाएगा पहला एक्सलेशन जो चुकी थी जी मास ऑफ द अर्थ और यहाँ से रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर और ये रेशियो ले लोगे आर ई का स्क्वायर फोर पाई का स्क्वायर टाइम पीरियड टी का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ये जो आ जाएगा जी मास ऑफ द सन और रेडियस आर का स्क्वायर तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन पुट ऑल दिज वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट इन सभी कॉन्स्टेंट के वैल्यू पुट करोगे तो ये जो कॉन्स ये आता है वन रेशियो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो थ्री फोर सेंट्रीप्यूगल एक्सलेशन आता है और यह आ जाता है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो सिक्स इतना तो ये फाइनली फाइनली यही हमारा सलूशन है और ये सारी कांस्टेंट की वैल्यू रखा हूँ तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ अगर तुम्हें बहुत अच्छा एक्सप्रेशन लगा होगा एक लाइक like और सब्सक्राइब तो बनता है यार थैंक यू टेक केयर